तो कल सुबह जब मैं सो के उठी तब मुझे ऐसा न्यूज़ मिला कि कर्मा हैज़ लेफ्ट कलमकार। पहले तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ इस बात में, फिर मैंने जाके कर्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया एंड इट वॉज ट्रू। कर्मा के स्टोरीज और पोस्ट में भी यही लिखा था दैट ही हैव पार्टेड हिज वे विद कलमकार। पहले हरजस ने छोड़ा, फिर रश्मीत कौर ने छोड़ा एंड अब कर्मा। क्या ये कलमकार का डाउनफॉल है? हे एवरीवन, दिस इज अबिगेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे दैट व्हाट इज रॉन्ग विद कलमकार एंड कर्मा ने आखिर कलमकार क्यों छोड़ा। एंड जैसा कि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद कलमकार का डाउनफॉल है, तो उस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हुआ यू कि कल अपने इंस्टाग्राम में कर्मा ने एक पोस्ट और एक स्टोरी डाला जहाँ पे उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो कलमकार छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी सिंस द डे आई स्टेप्ड इन हिप हॉप। द अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट यू ऑल हैव बीन शोइंग टुवर्ड्स मी इज समथिंग आई वुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर। दिस इज टू लेट यू नो गाइज दैट आई हैव डिसाइडेड टू गो सोलो एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट माई आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज। In other words, I have parted ways with Kalamkar and I'm not a part of the company anymore. I will always be grateful for the opportunities that were created for me and the culture. And बस इसी पोस्ट और इसी स्टोरी को देखने के बाद जो कलमकार के फैंस है वो शॉक में चले गए। In other words, उनका दिल टूट गया, क्योंकि कर्मा एक बहुत ही मेजर पार्ट थे कलमकार के एंड वो काफ़ी सालों से कलमकार से अपने गाने ड्रॉप कर रहे थे। एंड अभी कर्मा का कलमकार छोड़ना इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द डाउनफॉल ऑफ कलमकार। वेल, पहले हरजस जो कि एक मेजर पार्ट थे कलमकार फैमिली के, उन्होंने कलमकार छोड़ दिया। उसके बाद उनकी फीमेल आर्टिस्ट रश्मीत कौर, उन्होंने भी कलमकार को छोड़ दिया। एंड नाउ कर्मा हैज़ ऑल्सो लेफ्ट कलमकार। एंड आपने ये भी देखा होगा कि कृष्णा जो कि कलमकार के मेन आर्टिस्ट है, वो भी कलमकार से आजकल गाने ड्रॉप नहीं करते हैं, वो अपने ही चैनल से अपने गाने ड्रॉप करते हैं। एंड रफ्तार तो पहले से ही इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिकॉर्ड लेबल से जुड़े हुए हैं जो कि है सोनी म्यूजिक, एंड वो अपने ज़्यादातर गाने उसी बैनर के अंडर निकालते हैं। तो अभी युहान को छोड़ के कलमकार में बचा ही कौन? वेल, ऑब्वियसली रफ्तार और कृष्णा कलमकार में पार्टनर्स है, लेकिन वो दोनों भी अपने गाने कलमकार से नहीं निकालते हैं। तो इशारा तो इसी तरफ जा रहा है कि कलमकार का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि रफ्तार और कृष्णा जब तक कलमकार से जुड़े हुए हैं उसका डाउनफॉल होना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये दोनों कलमकार के ही नहीं पूरे DHH के फेस है एंड इन दोनों का एक अपना ही कल्ट फैन बेस है। तो डाउनफॉल तो नहीं, लेकिन जो रीच है वो ज़रूर कम हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी आजकल कलमकार से गाने नहीं निकाल रहा है। ओके, तो ये तो बात थी कि क्या कलमकार का डाउनफॉल सही में हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं कि कर्मा ने आखिर कलमकार क्यों छोड़ा। तो कर्मा ने जब ये कल पोस्ट डाला था तब कलमकार से भी लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया था, जिसमें से एक थे रफ्तार। एंड रफ्तार ने भी उनको उनके इस डिसीजन में सपोर्ट किया। एंड वहीं पे मैंने हरजस का भी कमेंट देखा, इवन रागा का भी कमेंट देखा। एंड सभी के कमेंट काफ़ी पॉजिटिव थे, कोई भी नेगेटिव कमेंट मैंने नहीं देखा। लेकिन वही फैंस का कुछ और ही कहना था, वो लोग कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। कोई कोई ये कह रहा था कि कर्मा एमिवे को डिस करना चाहता था, लेकिन कलमकार वो अलाउ नहीं कर रहा था, इसीलिए कर्मा ने कलमकार छोड़ दिया। किसी ने ये बोला कि ये एक प्रैंक है एंड कर्मा अपने नेक्स्ट आने वाले गाने या फिर एल्बम के लिए हाइप बना रहे हैं। एंड किसी ने तो सरकेस्टिकली रोहन करियप्पा को ही ब्लेम कर दिया, मतलब कुछ भी। लेकिन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि कर्मा ने आखिर कलमकार क्यों छोड़ा। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसमें इतना सोचने वाली भी कोई बात नहीं है। आजकल जैसे ट्रेंड जा रहा है, हर आर्टिस्ट इंडिपेंडेंटली ग्रो करना चाहता है एंड शायद कर्मा ने भी वही सोचा होगा, जैसा कि उन्होंने अपनी स्टोरी या फिर अपने पोस्ट में भी लिखा था। एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया था अपने स्टोरीज में दैट माय ब्रदर्स विल ऑलवेज रिमेन माय ब्रदर्स। तो शायद इतनी सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। एज एन आर्टिस्ट उनका यही डिसीजन था कि वो अभी इंडिविजुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो शायद यही मेन रीज़न रहा होगा उनका कलमकार छोड़ने का।
या फिर जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं, एक रिकॉर्ड लेबल का प्रेशर। आप लोग भी यही मानोगे कि एक जो रिकॉर्ड लेबल का प्रेशर होता है वो सभी आर्टिस्ट से हैंडल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्ड लेबल्स अपने आर्टिस्ट को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर लेते हैं कि वो वहां से नहीं निकल पाते हैं, एंड दिस अफेक्ट्स देयर आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज, जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत डिप्रेसिंग होता है, एंड ये एक आर्टिस्ट को लिमिट कर देता है अपने क्रिएटिव साइड को और एक्सप्लोर करने के लिए। एंड जैसे कि कलमकार में बहुत से इंजाम लगते आ रहे हैं कि कलमकार बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलता है, बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है सीन को, इसका हाइप भी बीफ से आया है वगैरह वगैरह, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कर्मा के कलमकार छोड़ने का। लेकिन एक जो चीज़ है जो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहा है, एंड आई गेस आप लोगों के जहन में भी ये आया था कि कहीं बीफ ना चालू हो जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब एक आर्टिस्ट एक रिकॉर्ड लेबल छोड़ता है तब बहुत ज़्यादा चांसेस होता है उस आर्टिस्ट का उस रिकॉर्ड लेबल के साथ बीफ चालू हो जाना। जब हर्जस ने भी कलमकार छोड़ा था तब लोगों ने यही सोचा था कि शायद हर्जस अभी कलमकार को डिस कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि थोड़ी सी नोक झोंक उनके और कृष्णा के बीच में चली थी इंस्टाग्राम स्टोरीज में, लेकिन फुल फ्लेजेड डिस का कुछ सीन नहीं हुआ। लेकिन हर्जस के कुछ कुछ गानों में, कुछ कुछ लाइंस में मुझे ऐसा लगा कि हर्जस ने इनडायरेक्टली कलमकार पे शॉट्स लिए हैं, तो ऐसा भी लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो सबके सामने अभी तक नहीं आया है। क्या है क्या नहीं है ये तो फ्यूचर में हम लोग को पता चल ही जाएगा। एंड रही बात कर्मा की, तो देखो यार, कर्मा ने सिर्फ कलमकार छोड़ा है, रैप करना नहीं छोड़ा है। गाने तो आते ही रहेंगे, कलमकार से आए या उनके चैनल से ही आए, बात एक ही है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दैट व्हाट इज द रीजन दैट यू थिंक दैट कर्मा लेफ्ट कलमकार। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड ये वीडियो अगर आपको एज अ पॉडकास्ट सुनना है तो वो भी स्पॉटिफाई में अवेलेबल है, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मेरा और एक चैनल है जहाँ पे मैं अपना म्यूजिक डालती हूँ, तो अगर आपको चेकआउट करना है मेरा म्यूजिक तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट देन गाइस, आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट video. Till then, take care, stay safe, and thanks for watching.